हाँ, तो इसमें एनएचएल और आरएचएल दोनों अपने को निकाल के चेक करना है भाई कि भाई कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक, तो ये फंक्शन अपना एनएचएल होगा या अपना आरएचएल के लिए होगा, और फंक्शन का वैल्यू तो जीरो दे रखा है। पहले एनएचएल निकालते हैं, तो एनएचएल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड इंटू जीरो माइनस ये वाला फंक्शन आएगा। ध्यान दो ये फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको लिख दिया हमने फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉट ई की पावर वन बाई एक्स। अब देखो एक्स जो है वो जीरो से थोड़ा छोटा है, तो एक्स अगर जीरो से छोटा है तो एक्स स्क्वायर, देखो ये बॉक्स लगा है, तो मैं अगर याद होगा तो मैंने क्या बोला था कि बॉक्स ओवरऑल एक क्या है, वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन हमेशा एक फिक्स इंटरवल में कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है और एक्स जीरो से थोड़ा कम है, तो अगर x 0 से थोड़ा कम है तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस, मतलब ऐसा है ना, 0 माइनस का स्क्वायर, ये क्या है, x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 0 माइनस का स्क्वायर, 0 माइनस का स्क्वायर का मतलब देखो 0 माइनस का स्क्वायर, यानी कोई छोटा सा नेगेटिव नंबर है 0 से थोड़ा सा कम, मान लो माइनस पॉइंट 001 कुछ टाइप का, तो किसी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये 0 प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी x था 0 माइनस आफ्टर स्क्वायरिंग ये क्या होगा, ये 0 प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी ये जो नंबर है ना ये वाला x स्क्वायर, ये कैसा नंबर है, ये स्लाइटली पॉजिटिव नंबर है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 0 से थोड़ा छोटा था तो स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा ही बड़ा होगा, ठीक, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर बना 0 से। अब एक बात बताओ, कोई नंबर है जो 0 से थोड़ा बड़ा है उसके ऊपर हमने क्या लगाया बॉक्स, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एग्जैक्ट 0 बन जाएगा, यानी ये क्या हो गया, ये तो एग्जैक्ट 0 बन गया, यानी ये बन गया अपना लिमिट x 0 माइनस x स्क्वायर, ये 0 बन गया इंटू कॉट। अब एक बात ध्यान दो, e की पावर 1 बाई x है, e की पावर क्या है, ये 1 बाई x लास्ट क्लास में भी मैंने कराया था अगर याद हो आप लोगों को, 1 बाई x है और x कैसा नंबर है, 0 माइनस, यानी ये क्या है, ये जो नंबर है 1 बाई x का मतलब ये तो होगा भाई, ये 1 बाई x है तो 1 बाई 0 माइनस होगा, क्योंकि x कैसा नंबर है, 0 माइनस है, तो ये 1 बाई 0 माइनस का मतलब माइनस इन्फिनिटी, यानी e की पावर में क्या होगा, e की पावर में माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये तो हुआ। अब एक बार बताओ x 0 जा रहा है, ये 0 ही है, x ही है, तो ये नंबर तो 0 हो गया, और ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, ये तो होगा 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी होगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब e की पावर इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, वापस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी क्या आएगा, 1 upon infinity form में, और 1 upon infinity क्या होगा, 0, यानी ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा 0 बन गया, ये तो already 0 था, ये क्या बन गया, cot 0, और cot 0 क्या होता है, cot है cos है, cos है, cos 0 कितना होता है, 1, तो ये 1 हो गया, और ये 0 हो गया, तो 1 into 0 क्या होगा, 0, यानी अपना LHL constant आ गया, और 0 के equal आ गया, ठीक है। समझ गए ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अब आते हैं आरएचएल में। आरएचएल देखो, तो आरएचएल में क्या है, ये वाला पार्ट, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस थ्री माइनस कॉट इनवर्स पे बॉक्स लगा हुआ है, ये अगर x स्क्वायर डिवाइड करो तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है 2 माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर, ये तो लिखा है, जब सोचोगे तभी इसको एक्सप्लिट कर पाओगे, ऐसे देख के तो कुछ होगा ही नहीं, देखते रहोगे कि भाई पूरा मैं सोच लूंगा, मुझे दिखेगा आंसर तक बनते हुए स्टेप्स, तो मैं स्टार्ट करूंगा, तब तो बनेगा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो बोर्ड के क्वेश्चन करके हम फिर खुश रहना पड़ेगा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है तो थोड़ा उसको एक्सपेंड करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, दो तीन अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, दो तीन अटेम्प्ट में कभी ना कभी बन जाता है, अब सोच के बैठोगे तब तो नहीं बनने वाला कोई भी क्वेश्चन, थोड़ा ट्राई तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हाथ पर तो मारोगे। अब हमने क्या x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, देखो x 0 प्लस था, अब ये तो 2x हो गया, 2x हो गया, 3x, हां 2x हो जाएगा, अब अंदर देखो ये x 0 प्लस है, तो ये 2 into 0, ये तो 0 हो जाएगा, इधर देखो
ये 3/x² है, 3/x² का मतलब क्या हुआ, 3/0 का प्लस का स्क्वायर, और 0 प्लस का स्क्वायर करोगे, अगर 0 प्लस का स्क्वायर करोगे तो 0 ही तो होगा भाई, कोई 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो उसी के आसपास रहेगा वो, ये थोड़े बहुत 3 थोड़े रहेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 पहुंच जाएगा भाई, 0 से थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो उसका स्क्वायर करने के बाद वही बड़ा रहेगा, थोड़ा उसके आसपास ही रहेगा, तो ये नंबर जो है ये 3/0 प्लस हो जाएगा, और 3/0 प्लस याद करो लिमिट के फर्स्ट क्लास में बताया था, 1/0 प्लस क्या होता है इंफिनिटी प्लस, तो ये क्या जाएगा प्लस इंफिनिटी, यानी ये जो नंबर था ये प्लस इंफिनिटी है। अब इस पे आ ये जो है ये ध्यान देना, ये 2x - 3/x², 2x क्या था ये तो 0 था, और ये 3/x² क्या था इंफिनिटी, यानी बाहर माइनस लगेगा, यानी क्या हो जाएगा 0 - इंफिनिटी, और 0 - इंफिनिटी क्या बनेगा माइनस, यानी बोले तो ये पूरा का पूरा नंबर किसमें टेंड कर रहा है, ये टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी जा रहा है, यानी कॉट इनवर्स के अंदर का जो आर्गुमेंट है वो इक्वल टू किसका हो गया माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी समझ लो ना, यानी कॉट इनवर्स के अंदर का आर्गुमेंट जो था वो, ठीक है, कॉट इनवर्स का अंदर का आर्गुमेंट जो था वो माइनस इंफिनिटी आएगा, समझ गए होगे। अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी का वैल्यू, तो तुम्हें अगर ग्राफ याद हो कॉट इनवर्स का, ऐसे ग्राफ बनता है, ये पाई है, पाई बाई टू और ये जीरो, ये कहां जाता है, ये तो ऐसे ग्राफ बनता है याद होकर, तो अब जीरो ये कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट क्या माइनस इंफिनिटी, यानी एक्स में माइनस इंफिनिटी, तो अगर एक्स में माइनस इंफिनिटी जाओगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आएगा, देखो ये वाला वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कहां जा रहा है, ये पाई को टच कर रहा है, यानी जब x की मिनिमम वैल्यू होगी उस केस में कॉट इनवर्स का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा पाई के इक्वल आएगा, यानी ये जो पूरा नंबर है क्या हो गया पाई हो गया, यानी देखो ऐसा हो गया 3 - ये कुछ ऐसा कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी का बॉक्स, अब ये क्या लगेगा 3 - अब ये क्या हो गया पाई, तो पाई पाई कितना होता है 3.14 के आसपास, अब 3.14 का अगर बॉक्स लोगे तो क्या आएगा 3 तो आएगा, यानी क्या आएगा 3 - 3, यानी क्या आएगा, अब देखो एल एच एल भी 0 आया था, आर एच एल भी 0 आ गया, और वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन था, तो क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, देखो कंटिन्यूटी इस पर कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कंटिन्यूटी है ही नहीं गई, कंटिन्यूटी हमेशा लास्ट स्टेप होता है, आपको चेक करना है एल एच एल आर एच एल एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी गिवन है, समझ गया ना, यानी क्या हो गया भाई ये तो लास्ट में हमने एल एच एल निकाला आर एच एल निकाला देखा भाई इक्वल है फाइनाइट है तो क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, कोई डाउट किसी को, देखो फिर मैं बोलता हूँ खुद से ट्राई करना शुरू करोगे तभी चीजें हो पाएगी, सोचोगे मैं सारा मैं तो बना ही दूंगा, लेकिन लर्निंग तभी कंप्लीट होगी जब आप खुद से ट्राई करोगे, भले बने नहीं बने वो अलग बात, ट्राई करना बोलते ना किसी काम को शुरुआत करना ही सबसे बड़ा काम होता है, आपने स्टार्ट करोगे शुरू में तो प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कभी हो सकता है एलएचएल आ जाए या आरएचएल आ जाए, दोनों में कोई एक तो है, ठीक है, जेई में भी आपको कोई पेपर भी तुम देते हो तो पेपर में भी सारे क्वेश्चन तुरंत थोड़े बनते हैं, कोई क्वेश्चन तुरंत बन जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कोई कोई क्वेश्चन लास्ट में एकदम से बन जाता है, कोई कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो हर तरह के मिक्स एंड मैच होते हैं ना चीजें, बास्केट में तो हर तरह की चीज होगा, चलो कोई डाउट तो नहीं इसमें, चलो नेक्स्ट करें, अगले क्वेश्चन में वही है, मैंने डायरेक्ट लिमिट लिखा एल एच एल, इसने क्या बोला था कि इसने बोला कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें एबीसीडी का कुछ वैल्यू निकालना है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस का क्या मतलब है
कि भाई LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों फाइनाइट होगा और तीनों आपस में इक्वल होगा, तो देखते हैं हम लोग। अब देखो ये लिमिट जो है ना, ये लिमिट फाइनाइट है, आई थिंक दे रखा था। हाँ कितना दिया हुआ, थ्री, यही तो दिया है। थ्री क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो लिमिट का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है भाई, जीरो पे एफ जीरो थ्री दे रखा है, तो ये पूरा लिमिट किसके इक्वल होगा, थ्री के इक्वल होगा, यानी ये पूरा इसके इक्वल। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो याद करो सेम क्वेश्चन मैंने लिमिट में आपको करा रखा है, उसमें यहाँ मैंने वन दे रखा था, फंक्शन थोड़ा सा डिफर था, मुझे ध्यान भी क्या था, इसी टाइप का कुछ होगा, बस यहाँ पर मुझे याद है वन दे रखा था, सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब प्रैक्टिस की बहुत ही ज्यादा कमी है आपके पास, प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजों को, पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। माइंड करो क्या चीज, पुराने चीजों को बार बार पढ़ना, कम चीजों पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो तभी वो याद होगी। चलो भाई देखते हैं, ये तो पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस समय कि भाई नीचे जीरो है तो ऊपर भी जीरो होना चाहिए, तभी लिमिट फाइनाइट होगा। अब ऊपर जीरो करने के लिए एक जीरो डालेंगे, एक जीरो डालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ए बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ ए बच गया, यहाँ बी बच गया, कॉस जीरो वन होता है, और यहाँ फाइव बच गया, यानी बच क्या रहा, बचा जो ए प्लस बी प्लस फाइव, तो ये जो जो बच गया उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा ये किसी का डाउट है क्या, पहले मैं पूछ तो लूं इन्वेस्ट करने से। हाँ मैं तो वही बोला, मैंने करा चुका हूँ, मैं तो रिप्लाई कर रहे हैं कि सर ये हो गया था। हाँ किसी को डाउट तो बता दो भाई। चलो RHS बता दो, ठीक बात, चलो वही आते ही तो मैं एक्सप्लेन किया था, मैंने RHS बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, अब देखो RHL भी थ्री का इक्वल होगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो RHL है RHL, LHL दोनों फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होंगे, तो थ्री का इक्वल कर दिया, ठीक है। चलो अब ये ध्यान देना कि भाई अगर इसमें एक्स डालोगे, कंसेप्ट हमेशा जो मैंने बता चुका हूँ ना वही कंसेप्ट बार बार आपको यूज होंगे, फॉर्मेट थोड़ा अलग हो सकता है, माइंड भी थोड़ा अलग अलग जगह, देखो कैसे यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स जीरो, पहला काम क्या है, पहला काम लिमिट में उसके फॉर्मेट को चेक करना, तभी हम उसको कुछ से इक्वल कर पाएंगे। अब यहाँ चेक करने जाओगे ना तो एक बात ध्यान दोगे, तो नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है एक्स, थोड़ा सा इसको देखो ध्यान, ये ऐसे लिखा वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस डी एक्स, ये तो लिखा x को डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो ना। अब देखो अगर x जीरो प्लस है, देखो यहाँ अगर ये जीरो प्लस है, अब अंदर डालोगे तो ये तो d इंटू जीरो होगा, तो ये नंबर तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये तो जीरो हो जाएगा। इस पे आओगे c चाहे जैसा नंबर हो, c अपॉन जीरो प्लस यानी ये इन्फिनिटी होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब ये वाला पार्ट तो इन्फिनिटी हो गया, ये वन रहा और ये जीरो होगा, यानी बेस कहाँ गया, इन्फिनिटी गया। इस पे आते हैं, ये 1 upon x है, यानी 1 upon 0 plus, तो 1 upon 0 plus क्या आएगा, वो infinity हो जाएगा, यानी देखो यहाँ पर base भी infinity है और power भी infinity है, तो वो तो infinity के में चला जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई अगर base भी infinity है, power भी infinity है, तो infinity की power infinity इस format में आएगा, और ये तो infinity बन जाएगा, जबकि इसका limit दिया कितना है, 3 के equal दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये 3 के equal तभी आ पाएगा जब अंदर क्या हो, infinity ना हो, तो इन्फिनिटी नहीं होने के लिए कहा। अब ये अंदर का इन्फिनिटी कौन जनरेट कर रहा है, ये वाला टर्म, समझ रहे हो ना, यही जो टर्म है यही तो इन्फिनिटी जनरेट कर रहा है, अगर ये टर्म मिसिंग हो तो भाई ये तो अंदर इन्फिनिटी नहीं बनेगा, तब शायद भी फाइनाइट आ जाए, तो इसका मतलब है कि लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये टर्म मिसिंग हो, जब तक ये सी अपॉन एक्स अवेलेबल रहेगा तब तक इस पूरे टर्म को इन्फिनिटी को टेंड कराता रहेगा, इसका मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी मिसिंग होना चाहिए,
यानी ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली व्हिच इज इक्वल टू 3 इफ सी इज इक्वल टू 0। समझ गए मेरी बात? यानी यहां पर लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए सी को 0 होना पड़ेगा। समझ रहे होंगे? समझ रहे? देखो ये वही बात है कि 0 अपॉन 0 वाला पार्ट कि भाई नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होगा तभी लिमिट फाइनाइट आएगा। सेम यही है कि अगर इसको 0 नहीं करेंगे तब तक वो लिमिट फाइनाइट नहीं आएगा। अब ये चीज मैं बता चुका हूँ, थोड़ा तो रिलेट करना पड़ेगा। अब जेई में जो तुम क्वेश्चंस आएंगे एग्जैक्टली वही थोड़े आते हैं। 30% 40% क्वेश्चंस हमेशा नोट्स से ही आते हैं। बाकी जो 30-40% आता है उसका थोड़ा एप्लीकेशन आता है और लास्ट का 30% हमेशा क्या होता है वो डिसाइड करता है रैंक आपकी कितनी आनी चाहिए। तो ये दूसरा 30% पे था कि भाई आपको रिलेट करना पड़ेगा चीजों को, जो पढ़ा है हमने उससे रिलेट करना पड़ेगा। तो जब तक सी 0 नहीं होगा तब तक लिमिट 3 आ ही नहीं सकता, तो सी 0 हो गया। अब तो देखे हो गया होगा तुम्हें कि भाई एक जीरो है तो ये जीरो हो गया, वन हो गया, बेस वन हो गया, पावर इन्फिनिटी हो गया, यानी कौन सा टाइप हो गया, वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, e की पावर में 1 plus dx minus 1 हो तो क्या बताओ, कोई डाउट है तो किसी को पूछो। डाउट किसी को? सेकेंड लास्ट तो हो गया ना, ये तो हुए है ना, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या होता है, e की पावर बेस माइनस वन, ही तो है ये जो है, ये क्या है, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या होगा, e की पावर में बेस माइनस वन इंटू पावर, ये तो फॉर्म डायरेक्ट टाइप है ना, एक समझा। चलो और कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब डाउट नहीं है तो।
क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जीरो इफ गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ln है ln 1 माइनस x टाइम 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 3x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो. तो कंटिन्यूअसिटी क्या है, सिंपल फॉर्मूला है कि भाई लिमिट ऑफ वैल्यू सेम होगा. तो वैल्यू पूछ रखा है, फंक्शन दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालना है. लिमिट निकाल लो, जो लिमिट का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. बताओ कितना है? और किसी का देखो लिमिट जो है ना कंटिन्यूटी के बाद एकदम मास्टर हो जाते हैं अगर अच्छे से किया हो तो. अगर लिमिट ठीक से किया हो फिर कंटिन्यूटी जैसे कंप्लीट होगा ना तो लिमिट वाले चैप्टर में तो मास्टर हो जाते हैं लोग. उसमें फिर कोई बहुत रेयर है कि डिफिकल्टी आना चाहिए. चलो सबका सेम ही आ रहा है माइनस टू बाई नाइन, तो आई होप सबका सेम ही होगा.
सेम क्वेश्चन है, बस ये फंक्शन मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अगर ये निकाल दिया इसका मतलब लिमिट काफी तुम लोग सीख गए। अब देखो एट्थ वाले में वही बात है, लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln, थोड़ा जो एट्थ का स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर क्वेश्चन नाइन, ठीक है। मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0 देन फाइंड f0, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या निकालना है भाई, वो लिमिट निकालना था। अब तो रिको होना चाहिए यार। अब ये क्या है, ये ln 1, अब देखो x 0 जा रहा है तो ये पूरा नंबर क्या हो रहा है, 0 जा रहा है। तो अगर याद हो तो मैं तो क्या करते थे हम लोग, ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 यानी माइनस x tan 2x। अब डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस x tan 2x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। क्या लिखा हमने, ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये टर्म था नहीं तो हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ln 1 plus 0 upon same 0 is always equal to 1। अब यहां हो गए तो sin square है, यानी इसको भी दो जीरो चाहिए, यहाँ x है और tan है, यानी दोनों को इंडिविजुअली एक एक जीरो चाहिए, तो ऊपर भी दो और नीचे भी दो, तो x square से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। देखो लिमिट ठीक से नहीं किया है तो फिर ये चीज समझ में नहीं आई, अंडरस्टूड होना चाहिए भाई ये लिमिट से ही लिंक है। तो जिन्होंने लिमिट ठीक से नहीं किया वो पढ़े हैं जाके यूट्यूब पर चैनल देखो, सारे वीडियो पढ़े हैं, उसको वापस से ठीक से समझो करो। नाइन्थ का बहुत बढ़िया, दो लोगों ने निकाल दिया। इसका मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो पक्का बात है भाई, मतलब निकाल लिया। हो गया ना, माइनस 2/9 आएगा एट्थ का, ये 1 हो गया, ऊपर माइनस 2 आएगा और नीचे 3 स्क्वायर है, यानी माइनस 2/9। नाइन्थ में फंक्शन यही है तो लिमिट इसी पे तो निकालेंगे भाई, हमें एफ जीरो निकालना है, फंक्शन गिवन है, सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ही निकालना पड़ेगा, जीरो पे जीरो पे। जो एट्थ का स्टेटमेंट था दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 9, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन फाइंड एफ जीरो, ये था, जीरो को टेंड करेगा ना एफ जीरो, जहां पर वैल्यू निकालना होगा उसी पे तो लिमिट निकालेंगे। अगर एफ जीरो निकालना है तो एफ जीरो निकालेंगे लिमिट, चलो कोई चलो, अभी तक तीन टाइप का आंसर आ गया, अनवी का और प्रियांशु का 2 है, आर्या पता नहीं जीरो लिख रखा है, पता नहीं लिमिट का वैल्यू लिखा है कि
और स्वास्तिका 1 है। अच्छा हाँ, तुम्हारे यहाँ का भी 2 ही है। चलो मतलब 1 और 2 में फाइट हो रही है, किसी की 1 है किसी का 2 है। चलो देखते हैं। इसमें सेम वही बात है कि लिमिट क्या निकालेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0, ये तो F0 इक्वल टू लिमिट, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो लिमिट का वैल्यू आएगा दैट इज आल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो 0 पे जो लिमिट हम निकालेंगे दैट वो F0 को इक्वल होगा। अब यहाँ देखो F0 निकाला है लिमिट, अब यहाँ तो देखोगे ना ln a + ln b का फॉर्म है, और ln a + b क्या होता है, ln a * b सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये जो न्यूमरेटर का टर्म है ये और ये सेक है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos x। ln a + ln b था, ln a + ln b था, हमने उसको ln a * b कर दिया, नीचे sec x था उसको 1/cos। क्यों किया, क्योंकि भाई cos है ये sec है, तो sec को 1/cos करेंगे तो LCM लेने पे फायदा क्या होगा, ऊपर 1 - cos² बन गया दैट इज इक्वल टू sin² यानी यहाँ कुछ बन सकता है, इसलिए हमने sec को cos में चेंज किया। अब ये देखो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो क्लास में एक बार ऑलरेडी आ चुका है, अब याद नहीं है तो फिर ऐसी क्लास में पढ़ाई चीज आती है लेकिन हम याद नहीं रखते। होगा 1 + x² + x की पावर 4। अब ये देखो, अब अगर x थोड़ा सा और एक बार इसको चेंज किया जाए छोटा हुआ थोड़ा, तो ये sin² हो गया और ये cos x हो गया, cos नीचे से ऊपर आ गया cos x। अब ध्यान दो अगर x 0 जाएगा तो ln में देखो ln 1 + ये जो नंबर, देखो ये जो नंबर है x² + x की पावर 4, अगर x 0 होगा तो ये नंबर भी क्या होगा 0 ही जाएंगे, यानी वापस से कौन से टाइप में आ गया ln 1 + 0। तो हमने क्या पढ़ा ln 1 + 0 / same 0 1 होगा, तो यहाँ 0 है लेकिन सेम 0 मिसिंग है, तो क्या करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई सेम का, यानी देखो अब तो हो जाना चाहिए यार। अब देखो ये ln 1 + 0 / same 0 ये पूरा नंबर तो 1 हो गया, वो उधर cos है, थर्ड टर्म इज cos, cos 0 भी क्या होगा 1 होगा, तो वो भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, अब बच गया बीच वाला पार्ट। तो देखो बीच वाले में नीचे sin² है और sin² को नंबर ऑफ 0 कितने चाहिए था 2, अगर नीचे x² से डिवाइड करते तो sin² x / x² 1 बन जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर से नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर इसके पास भी देना पड़ेगा। यानी अगर लिखें अब हम लोग ये तो है, यानी एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर दिया। अब देखो ये तो वन हो गया, यहाँ देखना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक बार और लिखू मैं ये तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब जीरो डालो तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये तो 0 आएगा तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, यानी पूरा 1। तो जिन्होंने 1 निकाला तो काबिल के तारीफ है, तारीफ के काबिल है, मतलब काबिल के तारीफ नहीं, बहुत अच्छी बात है। हीट के स्ट्रोक में थोड़ा बताओ, कोई डाउट किसी को? डाउट किसी को? चलो आगे बढ़े नहीं है तो अब कुछ आप तो कर लो क्वेश्चंस, मतलब तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो तीनों तरह के मैंने करा दिया आपको। पहला कि कंटिन्यूटी चेक करना, तो हमें LHL RHL और फंक्शन का तीनों निकाल के आपस में रिलेट करना। दूसरा टाइप कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो हमें ए बी सी कुछ तरह के अननोन वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और तीसरी ये टाइप कि फंक्शन कंटिन्यूअस दे देगा और तुम्हें F0 F1 F2 वो निकालना पड़ेगा, वो आप समझ गए हो। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लिया? चलो कर लिया सबने तो। देखो इन दोनों में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों है या पहला है या दूसरा है या दोनों गलत है। पहला लिख रखा है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी फंक्शन के बारे में पता, ठीक है, कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इंप्लाई का मतलब क्या हो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है ना। ए वन डायरेक्शन है, वन वे है, तो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। दूसरा ये है कि अगर फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है ना, मतलब ये होगा तो ये होना चाहिए। अब इन दोनों में बताएं आप लोग कि कौन सा सही है, दोनों है दोनों गलत है।
अनिल का दोनों स्टेटमेंट सही बताए आपने, आदित्य का एक कंप्लीट है और दूसरा बताया है, दीपकरण ने भी एक ही बताया। अब देखो स्टेटमेंट से ट्रू होना है तुरंत तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूटी का डिफिनेशन क्या था। अगर याद करो तो कंटिन्यूटी के लिए, अगर कंटिन्यूटी है इसका मतलब क्या हुआ, उसका LHN, उसका RHN और F of A तीनों क्या होने चाहिए, यही तो था भाई। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है दैट मींस LHN, RHN एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होगा और फाइनाइट होगा तभी तो कंटिन्यूअस होगा। अगर हमने बोल दिया कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है दैट मींस ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। अब अगर ये ट्रू होना चाहिए तो ये देखो ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं, यही तो लिमिट होता है। LHL RHL इक्वल हो यही तो क्या बताता है, ये लिमिट बताता है। तो अगर कंटिन्यूअस हो गया तो उसके सब केस में ऑलरेडी लिमिट इंक्लूड हो गया ना बाय डिफॉल्ट, समझ रहे ना, लिमिट ऑलरेडी उसके अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि शुरू से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि भाई लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल और फाइनाइट हो That means function is continuous. तो ये तो already true है। मतलब ये जो होगा ये always true हो जाएगा। लिख लेना ना। Always. अब existence of limit में आता है। ये तो तुम खुद ही जानते हो कि भाई अगर limit exist करेगा तो continuous हो ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि limit and value of the function ये दोनों मिलके continuity decide करते हैं। और याद करो limit में मैंने चिल्ला चिल्ला के ये बात बताई थी। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं, कि लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन का वैल्यू भी एग्जिस्ट करे ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। शुरू से जब लिमिट मैंने पढ़ाया तब मैंने बार बार इस बात को करेक्ट करा। तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये बात ट्रू होगा, लेकिन इसके बारे में ये थोड़ी बता पाएगा, ये तो एक सेपरेटली कंसेप्ट है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये क्या लिखा है इसमें, मे और मे रो, तो लिख लेना यहाँ बगल में मे और जे में क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन आता है मस्ट अगर लिखा हो तो भाई पहला ट्रू होगा, मे और मे नॉट लिखा हो तो दोनों ट्रू होगा। मतलब मे में तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, हो है ना, मतलब मे और मे नॉट क्या क्या मतलब होगा कि भाई तुम मे और मे नॉट करोड़पति बनो या ना बनो, तो बन भी सकते हो नहीं भी बन सकते हो, चांस होते हैं ना। लेकिन मस्ट का मतलब बनना ही पड़ेगा, तो वही बात है, पहले में मस्ट भी हो जाएगा दूसरे में मे और मे नॉट का भी। कोई डाउट किसी को? चलो थर्ड पॉइंट आते हैं। देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थर्ड में ये लिखा है वी ऑलवेज डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हमेशा कंफ्यूजन आता है।
लिख लो फिर समझाता हूँ। फोर्थ और फिफ्थ कनेक्टेड है, फिफ्थ में अक्सर लोग गलती करते हैं। देखो थर्ड में हमने ये लिखा है कि ऑलवेज डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन, अब कहने का मतलब एक बार बताओ कि कोई भी फंक्शन अगर मान लो कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या हुआ, हमें LHL निकालना, RHL निकालना और फंक्शन का वैल्यू निकालना। अब थोड़ी देर सोच के देखो कि मान लो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनो, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं का क्या मतलब होता है, डिफाइंड ही नहीं क्या है, ये मतलब है कि वो पॉइंट उसके डोमेन में नहीं है। तो अगर वो पॉइंट उसके डोमेन में नहीं है, जैसे मान लो ये फंक्शन 1/x-1 है, तो ये x=1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, ये डोमेन का पार्ट ही नहीं। तो कोई पॉइंट अगर किसी फंक्शन के डोमेन का पार्ट नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है ना भाई, कोई पॉइंट किसी के डोमेन में नहीं है तो उस पर तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि डोमेन में नहीं है। तो हम चेक क्या करेंगे भाई, कोई पॉइंट किसी फंक्शन के डोमेन में हो तब तो आगे पीछे निकाल के देखेंगे भाई है या नहीं है। जो पहले से ही मालूम हो गया हमें कि वो पॉइंट उसके डोमेन में नहीं है तो क्या होगा, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे। तो जनरली ये बड़े लॉजिकल कंसेप्ट होता है कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा उसके डोमेन में दिखी जाती है। तुमसे कोई ये पूछे कि y=1/x-1 ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, x=1 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। लेकिन ये अपने डोमेन में कैसा है, अपने डोमेन में, तो अपने डोमेन में तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि 1 इसका डोमेन का पार्ट नहीं है ना। अगर फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो कुछ हाइपरबोला बनेगा, 0 पे क्या माइनस, कुछ ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ये मतलब 1 है, 1 के ऐसे, ठीक। तो 1 के पीछे 1 क्या है, तो 1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये अपने डोमेन में, डोमेन क्या है, 1 के पीछे और 1 के आगे, तो 1 के पीछे भी कंटिन्यूअस है और 1 के आगे भी कंटिन्यूअस है। तो जो डोमेन का पार्ट था ना वहां पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, समझ रहे ना। तो फंक्शन का अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डोमेन में चेक करना। जैसे कोई पूछे tan x अपने डोमेन में कैसा है, कंटिन्यूअस है, ऐसे tan x देखोगे तो इनफिनिटी मेरी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर tan x का ग्राफ बनाया जाए होगा, ऐसे ही था। अब देखो ये इनफाइनिटी मेरे पॉइंट्स पे डिस्कंटिन्यूअस होगा क्योंकि पीरियोडिक है, हर एक पाई बाय 2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में ब्रेक होता रहेगा, तो ये डिस्कंटिन्यूअस हो गया ना। लेकिन जिस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस हम बोल रहे हैं, क्या वो पॉइंट उसके डोमेन में है, नहीं है। तो अपने डोमेन में, उसका डोमेन क्या हुआ, पाई बाय 2 के पीछे और माइनस पाई बाय 2 के आगे। तो जो तुम डोमेन बता रहे हो उस डोमेन में कैसा है, वो तो कंटिन्यूअस है, वो तो कंटिन्यूअस हो गया उसमें। जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है विच इज नॉट इन द पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ tan x, tan x में पार्ट ही नहीं है। जैसे एक और ग्राफ में वहां से क्लियरली समझ में आ गया, देखो अब एक ग्राफ है। मैंने एक बात बोली थी कि भाई किसी भी ग्राफ को अगर प्लॉट कर रहे हो तो जहां पे पेन और पेंसिल हम उठा ले वहां पे फंक्शन डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखो ये जो है ना, 2 के पीछे 4 था, 2 पे क्या आ गया, कुछ नंबर आ गया, तो ये डिस्कंटिन्यूस हो गया। क्योंकि देखो 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या, मान लो अगर 2 ही अगर 1 होता तो 2 पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 पे इसका वैल्यू 1 है, यानी 2 पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो कोई बोले f(2) कितना है यहाँ पे, तो f(2) क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे f(2) के पीछे भी 1 है और f(2) के आगे 4 हो गया, तो ये अलग अलग। तो ये 2 पे डिफाइंड है, f(2) डिफाइंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पाई बाय 2 पे क्या बोलोगे, पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं हो रहा, पाई बाय 2 डोमेन में नहीं है उसके। तो tan x जो है ना, tan x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, हमेशा ध्यान रखना।
tan x is always a continuous function in its domain. हमेशा इसमें लोगों को डाउट ही रहता, तो ध्यान रखना tan x कैसे फंक्शन है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है. लेकिन कोई पूछे tan x कंटिन्यूअस, tan x का बिहेवियर बताओ x belongs to R में, ना सुनना, बोले कि एक फंक्शन आपके पास y को लो tan x और उसके बिहेवियर को बताओ x belongs to R, तब इसमें क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे भाई ये बहुत पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है. क्यों? पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, 3 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है. क्यों बोला हमने? क्योंकि उसने स्पेसिफिकली पूछा है उसने कि आप पूरे रियल नंबर में उसके नेचर को डिस्क्राइब करो. डाउट किसी को? डाउट किसी को इस पार्ट में? क्लियर होना चाहिए इसमें कि कोई पूछे तुम्हें y को लू tan x अपने डोमेन में कैसा है, कंटिन्यूअस है. y को लू tan x अपने रियल नंबर, पूरे रियल नंबर में कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है. सेम इसके लिए, एक अपने डोमेन में कैसा है, कंटिन्यूअस है, पूरे रियल नंबर में कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है. कहां पे? x इक्वल टू 1. तो स्टेट देखो, यही थोड़े थोड़े चीज होते हैं ना, मैटर करता है. स्टेटमेंट थोड़ा सा टिल्ट करेगा, थोड़ा घुमा देगा, उसी में हम लोग क्या फोल्ड हो जाएंगे. तो ध्यान रखना भाई स्टेटमेंट में लिखा क्या है. ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं उसके बाद. ठीक है, वही बात. जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं सारे कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे एक्स स्क्वायर. इसी तरीके से ये भी मान सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एक ही पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन. ठीक है, ये अपने डोमेन में, आईडीएफ फंक्शन, ये सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते. एक और एडिट डाल देते हैं, रीजन बिहाइंड डिसकंटिन्यूटी. हालांकि ये मैंने कंटिन्यूटी वाली क्लास में बताया भी था, लेकिन एक बार लिख लेते हैं इसको कि भाई कौन कौन से रीजन हो सकते हैं. अब देखो कंटिन्यूटी का केवल एक रीजन है कि भाई LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल और फाइनाइट. इसका मतलब ये कंडीशन जितने तरीके से ब्रेक हो जाए उतने तरीके से हम डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं. तो पहला पॉइंट ये हो सकता है
आइदर ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट या आइदर ऑफ द लिमिट does not exist. ठीक है, does not exist का मतलब क्या कि भाई f of LHL defined नहीं है, RHL defined नहीं है. इसमें infinite का मतलब है चाहे RHL infinite हो गया या दोनों हो गया या LHL दोनों में से कोई एक हो गया या दोनों हो गया. थर्ड में फंक्शन का वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे, f of a does not exist. फोर्थ हो गया LHL एंड RHL आर फाइनाइटली या आर फाइनाइट बट दे आर अनइक्वल. कि भाई दोनों के दोनों तो फाइनाइट है लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है. ठीक है, समझिए LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली बट दे आर अनइक्वल. ठीक है, ये अपना ही हो. आखिरी पॉइंट ये हो जाए कि लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करे बट दे आर अनइक्वल. ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी को किसी भी पार्ट में? ठीक है, तो आप क्वेश्चंस कर लेना है कंटिन्यूटी का. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, हालांकि समझ रहे हो कि लिमिट ही है. ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ? चलो नहीं है तो एंड करते हैं यार.